हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर पॉइंटर, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज करके नोट डाउन किया गया है। और ये आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरे वीडियो से ये मान के चलिए कि 10 प्रश्न ऑलमोस्ट आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे, सेम टू सेम मिल जाएंगे। यानी कि इसमें यदि आप देखेंगे पूरा हमने इसमें शिक्षण अभिरुचि भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक। साथ ही साथ इसमें आपका शोध अभियोग्यता है, शोध अभिक्षमता, और आपका लॉजिकल रीजनिंग भी है, और इसमें कंप्यूटर है, हायर एजुकेशन है, ठीक, और पॉलिटी वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 4 से 5 यूनिट जो मैथ के अलावा आपकी यूनिट्स हैं सब यहाँ पर सम्मिलित किए गए। कम्युनिकेशन भी है, ठीक, ICT है, कम्युनिकेशन है, सब यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और UGC नेट फर्स्ट पेपर का जो हमारा पेड ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए आप निश्चित तौर पे यदि जुड़ना चाह रहे हैं पेड ग्रुप से तो वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि कल लास्ट डेट है उसके लिए, ठीक। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, और इस पर कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों की लिंक अवेलेबल करा देंगे, जहाँ से आप चाहें वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। तो कल लास्ट डेट है इसका, उसके बाद जो है इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। और वहाँ पर आप लोगों को PDF वगैरह, टोटल PDF पूरे सिलेबस का, फर्स्ट पेपर का, वहाँ पर PDF और प्लस प्रैक्टिस सेट, पूरे जो 50 प्रश्न आपके आते हैं परीक्षाओं में पूरा एकदम मॉक टेस्ट के तौर पे यहाँ पे कराया जाएगा, और 15 सेट ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक। और ये उसी पेड ग्रुप में ही केवल कराया जाएगा, 1-2 सेट यहाँ पे मैं आपको करा दूँगा, ठीक, चैनल पे। और चैनल पे एक फ़ायदा ये है कि आपको लगभग BTU जो है टोटल सिलेबस का यहाँ पर हम देंगे, क्योंकि 2-3 पार्ट का वीडियो पहले ही कम्युनिकेशन का हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है, यहाँ पे ICT का कंप्लीट है, तो इसको जाके यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पूरा एकदम कंप्लीट, पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस है उस पर एकदम सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए गए हैं, ठीक। और ज्योग्राफी की बात करें तो वहाँ पर आपको प्रॉपर कराया ही जा रहा है। और यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना होती है? यहाँ पे देखिए, शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से, जो शिक्षण की मेथड्स हैं या उसके जो सिस्टम्स हैं टीचिंग के, उसका पूछ रहा है कि किससे अधिगम के इष्टतम यानी कि होने की संभावना है। तो अंतर क्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें सुगमी चर्चा आधारित सत्र हो, विचारावेश प्रक्रिया और परियोजनाएँ अनुवर्ती रूप में हो, ठीक। रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? हमने आपको अनअकैडमी पे बताया था कि मूल्यांकन के टाइप्स, ठीक, उसमें रचनात्मक मूल्यांकन भी है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, यानी उसको तीव्र करना, उनके लर्निंग पावर को। प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है, तो प्रभावी जो शिक्षण है उसमें प्रमुख व्यवहार है अनुदेशात्मक विविधता का। अध्यापक के प्रति गत्यात्मक उपागम का क्या तात्पर्य होता है? तो विद्यार्थी से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थी का सही मूल्यांकन किससे किया जा सकता है? तो आपका जो सतत मूल्यांकन है उसके द्वारा ही सही मूल्यांकन संभव है। अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल और ज्ञान किसकी उपज है? तो आप जब डिटेल जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में ही है आपका, तो जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं उसके अंतर्गत ही आपका अभिवृत्ति है, संकल्पना है, अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल, ज्ञान, तो सीखने की प्रक्रिया का ही उपज है। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय किस रूप में किया जाता है या किया जाना चाहिए? तो जो शिक्षण की प्रभावकारिता, ये देखिए आपका प्रश्न पूछा गया, हमने आपका वनडे जंक्शन वहाँ पे हमने आपका जो टीचिंग वाला कराया है 25 प्रश्न, उसमें ये वाला प्रश्न इंक्लूडेड था।
ठीक, तो पूछ रहा है कि प्रभावकारिता का निर्णय किस रूप में किया जाना चाहिए, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पे, यानी कि छात्र जितना लर्निंग प्रोसेसेस उनका हुआ है उससे क्या रिजल्ट निकला उसके अकॉर्डिंग जो है उसके प्रभाव को, टीचर के प्रभाव या टीचिंग के इफेक्ट को देखना चाहिए। टीम अध्ययन में क्या क्षमता है, टीम अध्ययन में क्षमता होती है कि एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि तर्क शक्ति व चिंतन का विकास हो। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। तो जो समीपस्थ जोन होता है वो विकास जोन होता है, यदि अच्छा संवाद दोनों के बीच हो रहा है तो। अध्यापक अपने छात्रों के साथ किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है, तो अपने ज्ञान और कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। अध्यापक अपने छात्रों के साथ किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है, तो व्यवहार का रूपांतरण अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। माइक्रो शिक्षण छात्र छात्राओं के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है, तो जब शिक्षण अभ्यास का दौर चल रहा होता है तो उस दौरान जो है आपका माइक्रो टीचिंग प्रभावशाली होती है। प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है कौन सा, तो ब्लैक बोर्ड जो है इसमें नहीं आता है। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि हायर एजुकेशन के बाद आप जो है किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या किसी विभाग के अधिकारी बनेंगे, तो आपके पास जो है निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है, तो विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुँचाना। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, विषय का गूढ़ ज्ञान, यानी जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसमें कम से कम वो पारंगत हो, तभी जो है लड़कों की जिज्ञासाओं को या जो छात्र हैं उनके जिज्ञासाओं को वो शांत कर सकता है। नहीं तो वो क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए वो कुछ पूछ रहे हैं बच्चे, तो यदि नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है, तो ये बताने में आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए कि आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आप बता दीजिए कि नहीं आ रहा है, कल हम बताएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति परफेक्ट हो पूरी तरह से, ठीक, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको अपनी गलती या अपने जो फॉल्ट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सबसे साथ ही साथ विषय का गूढ़ ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप उनकी जिज्ञासाओं को शांत करा पाएंगे। नहीं तो अक्सर आपको देखने को मिलता होगा यदि आप क्लास में कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं या किसी से कुछ पूछते हैं तो वो डांट के आपको शांत करा देता है। विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को पसंद करते हैं, तो अनुशासन। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए, तो योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, तो निदर्शन विधि, ध्यान रखिएगा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि निदर्शन विधि है, ठीक। आगे हम आपको शिक्षण विधियाँ कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव होती है, तो निदर्शन पद्धति के द्वारा संभव होती है, ठीक। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान पे। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान, ठीक। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है, तो सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, तो विचार। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या माना जाता है, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, ठीक। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है, तो अपेक्षित है निदान होना चाहिए, उपचार, निदेश और उनकी प्रतिपुष्टि भी होनी चाहिए, तो यही अच्छे शिक्षण की विशेषता है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है, तो आपका मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। नेक्स्ट है शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आपका शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए, ठीक।
अब यहाँ पे आ जाता है कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन जो होना चाहिए क्लास का वो कैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट पे केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका संबंध भावनात्मक क्षेत्र से, यानी कि कॉग्निटिव। ठीक, शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है विभेदीकरण। कौन सा तत्व तो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है परिचर्चा विधि के द्वारा। ठीक, तो इसमें इतना ही, आगे हम लोग शोध से संबंधित देखेंगे। अब तक आपने केवल इसमें शिक्षण अभिरुचि के बारे में देखा। ठीक, तो यदि आपको आप इंटरेस्टेड हैं पेड ग्रुप से या उसमें पीडीएफ वगैरह के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपना टाइम वीडियो पे नहीं देना चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा टाइम, तो निश्चित तौर पर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको 15 सेट का प्रैक्टिस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टोटल 10 यूनिट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा। धन्यवाद।